अब खबर दौसा से, जहां चिकित्सा विभाग में चयनित कार्मिकों की सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिससे कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। जिस मामले पर मुख्य चिकित्सा साथियों में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष चौधरी का कहना है कि उन्हें कार्मिकों की सेवा स्थगित करने के आदेश मिले हैं, लेकिन जल्दी ही कोई सही रास्ता निकल जाएगा। आपको बता दें कि मई महीने के जिले में विभिन्न वर्गों में यूटीबी अर्जेंट टेम्पररी बेस पर भर्तियां निकाली गई, जिसके आधार पर इन कार्मिकों का चयन हुआ था। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पैरामेडिकल भर्ती की गई थी, उसमें ANM, LA और फार्मासिस्ट को मैं यहाँ भर्ती किया था। वहाँ से कार्योत्तर उपरांत अनुमोदन के लिए हमने पत्र भेजा था, और अनुमोदन न मिलने के कारण और राज्य सरकार से हमें अनुमति न मिलने के कारण अभी हमने स्टे किया है इनको। और मुकुल शर्मा जी जो डायरेक्टर है नॉन गेस्ट, उनसे हमारी बात हुई है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई, पॉजिटिव रूप में है और जल्दी इसका पॉजिटिव समाधान निकल जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इनको नहीं रखा जाए, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको जल्दी समाप्त होने की स्थिति में हो सकता है डिसीजन हो जाए, उसमें पॉजिटिव मूव है। करेक्ट साहब ने बात की है, कालखंड में सभी की हालत बेहाल है, कोरोना से पूरा देश त्रस्त है। ऐसे में सरकार ने कोरोना में राहत देने के लिए कुछ भर्तियां निकाली थी जो कि यूटीबी बेस पे थी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट के बेस पे थी, उसको राज्य सरकार ने पुनः कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया है। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है उनकी। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? जी, इनने अर्जेंट टेम्पररी बेस पे भर्ती निकाली थी, जो 5 तारीख को फॉर्म अप्लाई कराए थे और ऑनलाइन भर लिए थे। उसके बाद इन्होंने 25 तारीख को लिस्ट निकाली, उस पर जो भी जिले वाइज जहाँ भी जगह थी उस हिसाब से लिस्ट निकाल के सबको, और 27 तारीख को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके डॉक्यूमेंट्स रख के ज्वाइनिंग लेटर दे दिए थे, और तत्पश्चात जहाँ भी ज्वाइनिंग दी थी उनको सबको वहाँ भेज दिया था। सब 27 तारीख की ज्वाइनिंग के बाद सब वहाँ कार्यरत थे और सब वहाँ रजिस्टर में साइन करके बाकायदा काम कर रहे थे। फिर 2 तारीख को इनको सूचित किया जाता है कि इनके पास तो 1 तारीख को लेटर आ गया था, ऐसे बोल रही है, पता नहीं अंदर का क्या मामला है। बाकी इनको 2 तारीख को सूचित कर दिया था कि अब आपसे आपको कल से आपकी सेवाएं कल से नहीं ली जाएंगी, आज और कल तक के लिए स्थगित की जाती है। एक और विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला से बात करते हैं, पूछते क्या है पूरा मामला। जी बताइए, क्या है, क्या दर्द है आपका? सर, 5 तारीख को ANM की भर्ती ली गई, 5 तारीख को ANM की भर्ती ली गई, उसके बाद में इन्होंने 7 तारीख को इंटरव्यू लिया, 7 तारीख को इंटरव्यू लिया, और फिर उसके बाद में इन्होंने 26 तारीख को डॉक्यूमेंट्स जमा किया और 27 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। BCMO ऑफिस से मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उसके बाद में 27 तारीख से हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद में कल इन्होंने ज्वाइनिंग करने के लिए मना कर दिया, सिग्नेचर भी नहीं करवाए और ना ही कोई ड्यूटी करने दी वहाँ पे। क्या कारण बताया गया जो आपको सिग्नेचर करने से मना कर दिया, उसका क्या कारण बताया गया? सर, इन्होंने अनुमोदन नहीं मिला है इनको, ऐसे बोल रहे हैं, हमें अनुमोदन नहीं मिला है, स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर आपने किसी संबंधित अधिकारी से बात की, अधिकारियों क्या जवाब था, आपका दर्द क्या, परेशानी क्या, विस्तार से बताइए। सर, हम कल भी आके है ना ADM साहब से मिले थे, हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते थे, पर उन्होंने बोला कि मैं नहीं मिलूंगा, आप ADM साहब से मिलो। हम उनसे मिले, उनको पर्सनल हमने एप्लीकेशन भी दी, उनका आज तक कोई जवाब नहीं है। उसके बाद आज भी हम CMHO भी गए, वहां उनसे पूछा CMHO साहब से, तो उनका भी कोई जवाब नहीं है अभी तक। वो बोले बात कर रहे हैं, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक तो कोरोना और उस पर बेरोजगारी की मार, ये इन लोगों का कहना, इनका कहना कि सरकार ने इनको पहले चुना, सेलेक्ट किया, काम पे लगाया, सपने दिखाए और फिर एकदम उन सबको धराशायी कर दिया। सुनील सत्यवादी, ANTV न्यूज़।